गाइस मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पे इनटू द वर्ल्ड नाम की रोमांटिक कोरियन ड्रामा हिंदी लैंग्वेज में स्ट्रीम हो रही है, जिसे देखने के लिए आपको इसके एक एक घंटे के टोटल 17 एपिसोड्स देखने होंगे। ड्रामा की कहानी संघे सर नाम के एक लड़के की है, जो 12 साल पहले मरने के बाद फिर से वापिस आ जाता है, वो भी बिना किसी बदलाव के। मतलब जैसे वो पहले दिखता था सेम वैसे वो अभी भी दिखता है। उसके जाने के बाद उसकी पूरी फैमिली बिखर जाती है, क्योंकि उसके मरने से पहले उसके ऊपर खूनी होने का टैग लग जाता है। अब जबकि वो वापिस आ गया है तो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर अपने फैमिली के लिए क्या कुछ करता है, और उसी के साथ वो खुद के मरने से पहले मर्डर मिस्ट्री में फंसे हुए केस को कैसे सॉल्व करता है, यही सब जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। मेन लीड एक्टर्स के बीच में आपको लव से रिलेटेड केमिस्ट्री अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, और वहीं पर इसमें आपको लव ट्रायंगल वाली चीजें देखने को मिलेगी। ड्रामा का कॉन्सेप्ट मुझे काफी बढ़िया लगा, बट आगे चल के इसकी स्टोरी थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल भी लगती है। ये एक स्लो पेस्ड ड्रामा है, जिसके ज्यादा एपिसोड होने की वजह से आप बोर भी हो सकते हो। ड्रामा का मेन फोकस फ्रेंडशिप और फैमिली के बॉन्डिंग के ऊपर है, जिसे देखने में आपको मजा आएगा। इसकी एंडिंग कुछ को पसंद भी आ सकती है और कुछ को नहीं भी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, जब आप ड्रामा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सिंपल सी एंजॉयबल ड्रामा देखना चाहते हैं तो इसे एक बार जरूर कंसीडर कर सकते हैं।